अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। तो अभी देखते हैं जी बास्केटबॉल जर्सी, इसकी ऑलरेडी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो थी बास्केटबॉल किट थी, जर्सी और शार्ट दोनों इकट्ठे थे। तो ये सेपरेट भी हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ ये भी शेयर करते हैं। किसी दोस्त को सिंगल जर्सी की भी ज़रूरत हो सकती है, तो इसके मेरे पास दो ही व्यू हैं जी। बास्केटबॉल जर्सी भी है और टैंक टॉप भी है जी, ठीक है। तो आपको अपने मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर है वो है जी टैंक, थ्री डी लेयर है, तो थ्री डी लेयर्स के अंदर ठीक है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा लेयर नहीं है जी, सिंपल दो लेयर्स हैं, ठीक है। एक जो मेन कलर है इसका टैंक टॉप का कलर चेक करें जी, इनसाइड कलर और साथ है रिब का, और जो फ्रंट है एक ही लेयर, ठीक है। तो इसके जो ग्रुप हैं थ्री डी के साथ ही इसकी डिज़ाइन लेयर भी है और पार्ट्स हैं जी, लेकिन पार्ट्स में कलर कलरिंग में अगर काम करना है तो फिर पार्ट्स में, अदरवाइज हमें डिज़ाइन के अंदर भी ही वर्क करना है। तो इसके अंदर देखते हैं जी, ये फ्रंट है, तो यहाँ पे हम इसको इसके डिज़ाइन ऐड करते हैं जी। ये मैंने जेपीजी उठाई है, तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन को उठा सकते हैं जी, ठीक है। तो बेसिकली हमने डिज़ाइन आइडिया है जी वही क्रिएट करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है जी, आप क्या सोच रहे हैं जी, तो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं सॉलिड कलर एक ऐड कर देता हूँ। अब ये कलर मैंने क्यों ऐड किया है, ताकि जो रिक्वायरमेंट है उसको हम जो बैकग्राउंड है टॉप से तो पूरी होगी, और नीचे अब जो है वो हमें चाहिए रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर को अब देखिए जी, अब बैकग्राउंड जो मैंने वाइट ऐड किया जी नीचे, ठीक है। अब मैंने इसको ही साफ बनाना है जी इस तस्वीर का, ठीक है। तो ये लेयर को सिलेक्ट करके दोनों ऊपर वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो वो चेक करें जी जो बैकग्राउंड मैंने लैदा से ऐड की थी वो भी उसी के अंदर मर्ज हो गई है जो पिक्चर थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो नीचे लेयर बच रही है, ठीक है, नई लेयर लेके उसके अंदर हम पेन टूल के साथ ट्रेस कर लेंगे जी, वही पार्ट जितना हमें चाहिए, ठीक है। इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करने से जो हमारा पाथ है जी वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर हमने रेड कलर फिल करना है जी, ठीक है। जो कंटिन्यू चल रहा है जो हमारे डिज़ाइन की सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेड कलर आना चाहिए। तो मैं हाइड्रोपर टूल से ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कलर हमारे टॉप पे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं एक्स के साथ नीचे लेके जाता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ जी, तो चेक करें जो सिलेक्शन थी उसके अंदर हमारा रेड कलर वो ही आ गया। अब इस कलर को भी इसी डिज़ाइन के साथ मर्ज कर देंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो हमारी ये एक ही लेयर बन गई, ठीक है। और जो डिज़ाइन है वो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जी इसके अंदर, तो मैं इंशाल्लाह शेयर करता जाऊंगा आप लोगों के साथ, तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएं, और जो नए दोस्त हैं जी इस फील्ड के अंदर उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो इसको कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और देखते हैं जी मेन लेयर्स के अंदर हमारा जो डिज़ाइन है परफेक्ट। वाइट ही साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए ठीक है, जो आपने किसी भी डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है छोटा बड़ा करना है तो आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है जी, तो रोटेट का ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा और पिक्चर को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो जैसे ही आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए तो आपने एंटर प्रेस करना है, तो वो उधर ही फिट हो जाएगा जी। तो प्रेस किया, परफेक्ट हो गया। अब हमारा लोगो रह गया जी, तो लोगो लगाते हैं हम यहाँ पे जी, लेकिन फाइल को सेव होने तक आपने वेट करवाना है जी, ठीक है। तो मैं अपना लोगो ऐड कर रहा हूँ जी यहाँ पे, ये मेरा लोगो है जी,
ये रहा, ठीक है। तो आपने जो लोगो है अपना ऐड करना जी, ठीक है। मैं बेसिकली ये एक छोटा सा लोगो है उसको ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने PNG ऐड करवानी है जी विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली ठीक है, तो अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है तो इसको मैं इस लेयर के अंदर जाऊंगा डबल क्लिक करके, ठीक है। रेजर टूल, मैजिक रेजर टूल लेना है और कलर सेलेक्ट करवाना, उसको बताना जी ये कलर है, ठीक है। तो वो सिंपल वो एक क्लिक के अंदर जो है डिज़ाइन जी वो रिमूव, बैकग्राउंड जो है वो हमारी रिमूव हो जाएगी जी। ये बेसिकली पिक्चर वर्क है जी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसे फाइल्स को सेव नहीं करवा सकते, तो हम क्या करते हैं इसी को कॉपी करते हैं। लेयर को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे ला के ये जो ऑलरेडी लेयर है इसको डिलीट कर दिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल बी के साथ सिंपल पेस्ट कर देना, तो साइज को एडजस्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी उधर फाइल टोटली सेव नहीं हुई, 99% है, इसलिए ये जी परफेक्ट हो गया। तो अब पोजीशन का हमें पता चल रहा है कि ये जो पोजीशन है ये लोगों को इस जगह पे आना चाहिए। तो आप PSD फाइल्स के अंदर जब काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का जो है वो आइडिया आपको हो जाएगा जी कम्प्लीटली। तो आप बगैर मेजरमेंट्स के भी जो है, विदाउट मेजरमेंट भी जो है आप इसको एडजस्ट कर सकेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। तो ये परफेक्ट हो गया जी। जो रिब का कलर है वो हम डिज़ाइन के अंदर ब्लैक भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। तो आई थिंक जो रेड है वो परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारी जो जर्सी है वो कंप्लीट हो गई जी। उसके बाद बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं जी। ये रहा परफेक्ट। तो नीचे इसका ड्रॉप शैडो भी ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। ड्रॉप शैडो को ऐड करने के लिए दो ऑप्शन है जी, लीव्स लें जी, ठीक है। परफेक्ट हो गया। अब आप इसको फिल्टर लगा दें जी, ब्लर का। फिल्टर में जाएं, ब्लर में जाएं, गाशियन ब्लर में जाएं, ठीक है। कन्वर्ट टू, वो कह रहा है कि अगर आपने ये फिल्टर अप्लाई करना है तो आपने लेयर को पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इधर भी वो ऑप्शन दे रहा है, और जो दूसरा ऑप्शन है जी वो क्या है जी, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आते हैं जी ब्लर, गाशियन ब्लर। अब वो ऑप्शन उसने नहीं दिया जी, तो ये नीचे रिजल्ट वो शो कर रहा है जैसे जैसे आप पिक्सल बढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। तो इतना तो होना चाहिए, तो ये परफेक्ट हो गया जी, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इसका जो पासवर्ड है फाइल का जी, वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, क्योंकि जो मैं पासवर्ड आपको यहाँ पे बताता हूँ वही बाद में उसके अंदर सॉरी जी फाइल के अंदर मैं ऐड करता हूँ जी। तो सम टाइम मिस्टेक हो जाती है, पासवर्ड जो है वो गलत हो जाता है या कोई एरर आ जाता है। इसका पासवर्ड है जी बास्केटबॉल जर्सी, सारे जो लेटर्स हैं आपने छोटे लिखने हैं, ठीक है। तो अगर समटाइम पासवर्ड मिस हो जाता है तो आप इंशाल्लाह कमेंट कर दिया करें कि भाई जान पासवर्ड, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा तो उसी टाइम मैं आपसे पासवर्ड शेयर कर दिया करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो पासवर्ड है जी वो मिस ना हो। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।